उस राज्य में जो मजदूरों की हत्या हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उसकी खबर आ रही है, और दूसरी ओर बिहार का डिप्टी सीएम उसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर के जश्न मना रहे हैं। अभी भी सरकार बहुत गंभीर नहीं है, दुर्भाग्य की बात यह है। तो पुलिस महकमा का सबसे बड़ा अधिकारी वह कहता है कि वहां कोई घटना नहीं हुई है और वहां की सरकार से बात करके उसका सोल्यूशन अविलंब निकाला जाए। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों अपनी पार्टी के गठन के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हैं और इसी यात्रा के दौरान आज वो मधुबनी पहुंचे हैं। बता दें कि मधुबनी में पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया है। जैसा कि अपने यात्रा के दौरान शुरू से ही वो देखे जा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार पे वो खासा नाराज चल रहे हैं। आज फिर से उन्होंने शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है और आज तो तेजस्वी यादव को भी नहीं छोड़ा है। बता दें, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, तमिलनाडु में जिस तरीके से हिंदी भाषाई लोगों पे हमले हो रहे हैं, मारपीट हो रही है और जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर तो उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर भी बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि यहाँ की सरकार तो ये मानने से ही इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि बिहार के जो DGP है उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि ये भ्रामक है, अफवाह है। ये लोग मानेंगे तब तो इसका सोल्यूशन निकलेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इन्हें केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, इस मामले को निपटाना चाहिए, इसका हल करना चाहिए। और भी बहुत कुछ कहा है इस मामले पर उपेंद्र कुशवाहा ने, आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ही मतलब गैर संवैधानिक तरीके से लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। इस तरह के व्यवहार कि कहीं इजाजत किसी के लिए नहीं हो सकती है, पूरे तौर पे गलत है। जितनी इसकी आलोचना की जाए कम है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग रहे हैं उनकी जवाबदेही है कि हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, कम से कम जाना पड़े। तो आज तक ऐसी स्थिति नहीं बनी कि बिहार से पलायन, खास करके मिथिला के इलाके के लोग तो ज्यादा ही पलायन करते हैं, तो पलायन पर कोई ध्यान नहीं। लेकिन जो भी कुछ भी आज भी वहां घटना हो रही है, अभी भी सरकार बहुत गंभीर नहीं है, दुर्भाग्य की बात यह है। एक तरफ उस राज्य में जो मजदूरों की हत्या हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, उसकी खबर आ रही है, और दूसरी ओर बिहार का डिप्टी सीएम उसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके जश्न मना रहे हैं, यह भी खबर साथ साथ चल रही है। क्या मैसेज जाएगा? और यहाँ के जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि नहीं, वहां कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। तो पुलिस महकमा का सबसे बड़ा अधिकारी वह कहता है कि वहां कोई घटना नहीं हुई है और जो घटना हुई है उसका वीडियो वायरल है, मजदूर लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ हो रहा है। तो बिहार की सरकार इस सच को स्वीकार भी करने से आनाकानी कर रही, दुर्भाग्य इस बात का है। सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि सरकार आनाकानी बंद करे, अपने बड़े अधिकारियों को एक मंत्री के साथ अविलंब वहां भेजे तमिलनाडु में, और वहां की सरकार से बात करके उसका सोल्यूशन अविलंब निकाला जाए, और आगे ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी बिहार के लोगों के साथ न हो, इसके लिए अलग से राज्य की सरकार, भारत सरकार से भी इनको बात करने की जरूरत हो तो करें। लेकिन समस्या है ही नहीं, ऐसा मान रहे हैं लोग, और ऐसा मानेंगे तो कहां कैसे हो पाएगा। तो हमारी यही मांग है। तो देखा आपने कि उपेंद्र कुशवाहा ने यह साफ साफ कह दिया है कि एक तरफ जहां ये खबर चल रही थी कि तमिलनाडु में हिंदी भाषाई लोगों के साथ सिर्फ मजदूर जो गए हैं वहां पे काम करने के लिए उनके साथ मारपीट की जा रही है, तो दूसरी तरफ वहीं पे वहीं के सीएम का बर्थडे मनाते देखे गए बिहार के डिप्टी सीएम। सोचिए इससे क्या हमारे देश में मैसेज जाएगा। इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस मामले का हल निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार से अपील की है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि बिहार के लोगों को बाहर पलायन ही ना करना पड़े। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।